नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है। आप देख सकते हैं पानी की छल छल कल कल करता पानी की धारा कितनी अच्छी लग रही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे फुर्सत मिलता है गांव आता हूं तो बरसात के मौसम में और ये खासकर खेती के सीजन में मैं इस धाराओं को देखने के लिए जरूर आता हूँ और इनकी जो आकर्षक है मुझे अपनी ओर खींच लेता है और मैं भी इसकी ओर आकर्षित होकर नज़दीक आने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। और ये हमेशा हमेशा इन अपनी तेज बहती कलकल धाराओं ने मुझे अपनी ओर समावित कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कितनी अच्छा यहाँ की जो दृश्य अच्छा लग रहा है और आप इस वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारा खेत, गांव का हमारा खेत, कितना अच्छा धान यहाँ हुआ है। इस बार हम सोच रहे थे नहीं होगा पर देख सकते हैं बहुत अच्छा हुआ है। और जिस टाइम लग रहा था उस टाइम ऐसे हालात हो गया था, बारिश बहुत अधिक हुई थी, लेकिन आप इस बार देख सकते हैं धान फ्लोरिंग स्टेज कंप्लीट कर चुका है और धीरे धीरे पूरा, और एक महीना के अंदर ये धान पूरी तरह से हो जाएगा। गांव का जो रास्ता है बहुत ही संकीर्ण रास्ता, इसी से होकर लोग साइकिल में मोटरसाइकिल में आना जाना करते हैं। पगडंडी रास्ता कहते हैं गांव में इसे, और गांव में इसे देहाती भाषा में चुरकी रास्ता, छोटा रास्ता। और इधर भी देख सकते हैं, इधर भी पूरा खेत हमारा पूरा लहलहा रहा है। ये पुटूस का फूल है, आप देख सकते हैं, और ये जो है इसका फल भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये पुटूस का फूल। यहाँ पे चट्टान है हमारे खेत की तरफ, अधिकतर यहाँ उबड़ खाबड़ है और चट्टान से पूरा भरा पूरा हुआ है और इसी में हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं गांव में इस तरह से खाद को इकट्ठा करके एक तैयार किया जाता है। आधा देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा तैयार किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा खलिहान का एक पुआल रखने वाला घेरा है, पत्थर से बनाया गया है। यहाँ पे पुआल रखते हैं, अभी जब भी धान मिसाएगा तो इसमें हम लोग पुआल रखेंगे। ये रहा हम लोग का खलिहान, यहाँ कुछ धान मिसाई हुआ तो ये पुआल है और यहीं पे हम लोग धान का मिसाई करते हैं। ये हम लोग का खलिहान है, देख सकते हैं। यह यहाँ पे धान वगैरह सुखाते हैं, इधर धान नहीं मिसते हैं। और आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं, झारखंड में जो बनाई जाती है ये है एक झाड़ी है, एक घास है जिससे झाड़ू बनाया जाता है। ये हमारे गांव में काफ़ी अधिक मात्रा में झाड़ू बनाया जाता है, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी से झाड़ू बनता है। लोग घर की सफाई इसी से करते हैं और आंगन के भी और बाकी भी अच्छी तरह से इसे सफाई हो जाता है। ये यहाँ आसानी से आपको मिल जाती है, देख सकते हैं दोस्तों। ये जो धान हमने लगाया है यहाँ पे बिना रासायनिक खाद के यहाँ पे हम लोग ने लगाया है और ये है हाइब्रिड किस्म के धान है। आप देख सकते हैं एकदम बराबर धान का जो बाली है वो भी कितना अच्छा दिख रहा है, देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं पूरा। ये है लगभग हम 25 डिसमिल में यहाँ पे लगाए हैं धान।
देख सकते हैं दोस्तों मकाई का ये एरिया है, मकाई का टांड है और मकाई बहुत ही अच्छा हुआ है। और ये मकाई हम अपने हाथों से ही इसको लगाया और इसकी सेवा भी अपने हाथों से ही किया और देख सकते हैं कितना अच्छा इसका फसल हुआ है। मुझे देखकर पहली बार मैंने इस मकाई का अपने हाथों से किया है और खुशी हो रही है ये मकई का फसल देखकर। दोस्तों आप भी लगाएं मकई और इसका आनंद लीजिए। और हम गांव का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ का हमारा गांव का नज़ारा है और बैल टाँड से चराकर चराहगाह से घर की ओर लेके आ रहे हैं ये बैल। और ये हमारा बैल है और बकरी भी है और देख सकते हैं बच्ची चराने गई थी और लेके आ रही है। धन्यवाद दोस्तों।